200 टन कैपेसिटी है भाई इसकी। तो भाई ये है भाई चीज़, देख रहे ना आप, किसी विशाल चीज़, इसको कहते हैं भाई क्रेंस। वो तो भाई इसके सामने छर रहा है। और जो हमारे पास CMG भाई, ये चाइनीज़ ब्रांड है, इसको तो मैं अच्छे से जानता हूँ इसके बारे में, क्योंकि ये क्रेन भाई बहुत ज़्यादा चल रही है इंडिया में। इससे यहाँ पे आप देख रहे ना भाई, ये इस क्रेन को ऑपरेट करने की, ये जो केबिन दिया सेम इसी मशीन में भी भाई ये साइड में दिया हुआ है। बाकी इंडिया में जो चलन है सब राइट हैंड ड्राइव रहती है, पर ये रहती है भाई पूरी लेफ्ट हैंड ड्राइव। आप देखिए गाइस कैसे हैं आप लोग, होप सभी लोग बढ़िया ही होंगे। दोस्तों मेरा नाम है राघव, स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो भाई आज काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ, दो तीन दिनों से बहुत ज़्यादा बिजी था, नाइट ड्यूटी भाई ज़्यादा चल रही थी। नाइट ड्यूटी में क्या होता है भाई, PQC चल रहा है, तो PQC चलता नाइट रात को, तो रात में भाई वीडियो बनाने में मज़ा नहीं आता, क्योंकि ना ढंग से दिखता है ना कुछ समझ में आता है। तो भाई आज दो तीन दिनों के बाद थोड़ा सा फुर्सत मिली है, फुर्सत भी ऐसी मिली है, तो शाम का टाइम हो रहा है 5 बजे, तो आज की वीडियो भाई शूट कर रहा हूँ और बनाऊंगा, ये वीडियो आज ही डालूँ, थोड़ा छोटा रहेगा आज का वीडियो। और आज वीडियो में भाई एक चीज़ बताने वाला हूँ, वो बहुत खास है, क्योंकि काफ़ी लोग उस चीज़ को देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और सुखतवा के ब्रिज में, केसला के ब्रिज में, माचना के ब्रिज में, और 102 चैन है जहाँ से हम लोग वो चीज़ स्टार्ट करने वाले, तो वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। तो भाई बने रहिए इस वीडियो में, चलो भाई शुरू करते हैं आज का नया ब्लॉग। बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग है, थोड़ा छोटा जरूर रहेगा, कल से फिर अपना कंटिन्यू करेंगे बड़े ब्लॉग, क्योंकि अपना PQC का काम रात वाला निपट गया, दिन दिन वाला काम चालू हो गया है। तो भाई थोड़ा सा ध्यान रखो, थोड़ा भाई को थोड़ा प्यार दो, सपोर्ट करो। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे ना, अपन खड़े हैं अभी, चैनेज है 102, और यहाँ पे ये अपना एक माइनर ब्रिज बनने वाला है। और ये जो जगह आप दिख रहे ना, ये जगह शाहपुर की है, यहाँ से ही भाई शाहपुर का बाईपास स्टार्ट हो रहा है। वो आप सामने की तरफ देख रहे ना, वो सामने की तरफ वो बाईपास स्टार्ट हो रहा है, और जो रोड जो अंदर गया है शाहपुर बाजार के अंदर गया है। तो भाई यहाँ पे एक ये अपना माइनर ब्रिज है, इसके भाई अपन करने वाले हैं गर्डर लॉन्चिंग। तो भाई खास बात जो आज की वीडियो में बताने वाला था वो है भाई आज क्रेन्स के बारे में, क्योंकि आपने साइड पर पहुँच गई है भाई ये दो क्रेन्स, तो अपन इनके गडर लॉन्च करेंगे। और गडर भी इसी के लिए भाई यहाँ पे देख रहे ना, प्रिपरेशन भी हो गई है, थोड़ा बेड वेड थोड़ा बनाया हुआ है, बस थोड़ा सा अभी हल्की सी बारिश हो गई, तो अभी थोड़ा मौसम के चक्कर में, तो बाकी के काम थोड़ा बैंड डेले हो गया, तो अभी थोड़ा सा धूप वूप लगेगी, थोड़ा तैयारी वैयारी और करेंगे, सो रोलिंग वोलिंग करेंगे, मिट्टी डाल के थोड़ा बेड बनाया, उसके बाद फिर चालू करने वाले अपन लॉन्चिंग। और ये है वो गडर जो आप देख रहे हैं ना, ये 25 मीटर के RCC गडर है, तो ये रेडी हो गए भाई, क्योंकि अभी PSC गडर अभी अपने रेडी नहीं हुए, क्योंकि ग्राउटिंग हो गई, ग्राउटिंग का अभी चल रहा है क्यूरिंग पीरियड। तो सामने आप जो ये खूबसूरत जो येलो कलर की मशीनें देख रहे हैं ना, ये आ गई हैं भाई दो क्रेन्स, जो भाई इन गडरों को उठाएगी और लॉन्च करेगी, यहाँ पर भी केसला वाले ब्रिज पर भी, सुखतवा वाले ब्रिज पर भी, 102 वाले ब्रिज पर, माचना ब्रिज पर, इन सभी पर। तो भाई ये है आज का खास चीज़ जो आप देख रहे हैं ना, इन दोनों क्रेनों के बारे में थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, बाकी डिटेल वीडियो आप बोलोगे तो बनाऊंगा, नहीं तो भाई नहीं बनाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये है XCMG की भाई ये क्रेन है, और ये क्रेन थोड़ी छोटी है, क्योंकि भाई अभी हम लोगों के पास तीसरी क्रेन भी आने वाली है। दो क्रेन यहाँ पहुँच गई, एक ये आप देख रहे हो DMAC कंपनी की है, और एक ये XCMG भाई, ये चाइनीज़ ब्रांड है, इसको तो मैं अच्छे से जानता हूँ इसके बारे में, क्योंकि ये क्रेन भाई बहुत ज़्यादा चल रही है इंडिया में, इससे बड़ी बड़ी क्रेन भी आती है। ये क्रेन की जो कैपेसिटी है मेरे हिसाब से 70 टन कैपेसिटी इसमें लिखा है ना, 70 के, तो 70 टन कैपेसिटी की भाई ये वाली क्रेन है। ये छोटी क्रेन है जो पहले आती थी ना, वही क्रेन है, क्योंकि तो पहले भी अपने पास 60-70 टन के कैपेसिटी वाली आती थी। तो भाई जो बड़ी क्रेन है वो है सामने, उसको मैं बाद में दिखाऊँगा, पहले ये देखिए भाई, ये है भाई चीज़। आजकल भाई चाइनीज़ मेड भाई क्रेन है, चाइनीज़ मेड मशीनरी बहुत ज़्यादा चल रही है, वैसे ये वाली कंपनी भाई अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है, क्योंकि स्विंग स्टेटर से इनका टाई अप है, उसके साथ भाई ये काफ़ी मशीनरी बना रहे हैं, और है जरूर मेड इन चाइना। बाकी मशीन के बारे में जो डिटेल वीडियो आप कहोगे तो दोनों मशीनों का अलग से बनाएंगे, तो कुछ इस टाइप की मशीन है, छोटी मशीन है, जो लास्ट टाइम जो गटर लॉन्च कर रहे थे हम लोग, वो 15 मीटर वाले, 17 मीटर वाले, और ये आपके 20 मीटर वाले, उन वो इन्हीं से लॉन्च हो रहे थे, पर अभी गटर का साइज बड़ा है, अभी 30 मीटर का गटर है, और ये जो गटर देख रहे ना ये है 25 मीटर के, तो इनके लिए बड़ी क्रेनें लगने वाली, क्योंकि हाइट भी अब मैटर कर रही है, क्योंकि माचना नदी के ब्रिजों की जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा है। एक ओवरव्यू ले लो दोस्तों, सामने से मैं ओवरव्यू मैंने आपको दिखाया, बाजू से भी दिखा देता हूँ भाई, ये नेटवर्क कंपनी है भाई, इनकी नेटवर्क क्रेन, ये भोपाल से आई हैं, बाकी जो हमारी जो मेन जो क्रेन आने वाली, एक एक्स्ट्रा में क्रेन रखी, देखो लास्ट टाइम जब हम लोग कर रहे तो बीच बीच में उन लोगों की एक आध क्रेन भाई ब्रेक डाउन हो जाती थी, तो काम रुक जाता था, पर इस टाइम इस बार जो जो कंपनी ने जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है भाई एक कंपनी को, जो सागर से आ रही है मेरे हिसाब से, सागर की जो कंपनी को, जो कंपनी ने ठेका दिया है जो लॉन्च करने का, लॉन्चिंग का रहता है, उसका क्या रेट रहता है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा।
तो भाई उन्होंने देखो 3 क्रेनें भेजी हैं, तो 2 यहाँ पहुँच गई हैं, तीसरी अभी आने वाली है। तो ये जो छोटी क्रेन है ये भी काम करेगी, ऐसा नहीं है। तो ये जब कोई क्रेन इमरजेंसी में कभी ब्रेकडाउन हो जाती है तो भाई इमरजेंसी में तीसरी क्रेन रखी गई है। तो एक ये देख रहे हैं, दूसरी क्रेन जो है वो है इससे बड़ी भाई, बहुत बड़ी है वो दिखाता हूँ। तो ये देखिए आप, ये है भाई वो दूसरी क्रेन, ये है भाई जो आप देख रहे हैं ना, ये है डी मैक कंपनी की, ये इसका 435 मॉडल है भाई। इसकी कैपेसिटी बताओ क्या होगी। तो भाई ये जो मशीन है ना, इसकी कैपेसिटी है भाई 170 टन, ये वाली जो मशीन है इसकी कैपेसिटी है 70 टन केवल, और ये वाली जो मशीन देख रहे हैं ना इसकी है 170 टन। मशीन दोस्तों कुछ ये वाली मशीन तो पहले भी मैंने देखी थी, और इसमें भाई क्रेनों का मामले में भाई आपको आज भी बताता हूँ, ये सारी लेफ्ट हैंड ड्राइव रहती है, बाकी इंडिया में जो चलन है सब राइट हैंड ड्राइव रहती हैं, पर ये रहती हैं भाई पूरी लेफ्ट हैंड ड्राइव। आप देख रहे हैं ना यहाँ पे इसमें स्टेयरिंग ये लगा हुआ है, एसी केबिन होते हैं, पूरी कंप्लीट सेट आती है। तो एक मशीन ये है, दूसरी मशीन ये है भाई, इसके टायर देखो भाई केवल छोटे छोटे जो टायर नॉर्मल आते हैं, जो वॉल्वो जो ट्रकों में लगने वाले टायर थे ना उस टाइप के टायर हैं, छोटे छोटे जो आप देख रहे हैं ना, पर भाई इसके टायर देखो भाई, देख रहे कितने बड़े हाथ मेरे, मैं खड़ा हो जाऊँ ना कभी इसके बाजू में तो मेरे कंधों तक आ रहे हैं भाई ये टायर, अभी आप देख लो। और इसमें जगह बिल्कुल भी छोड़ी, पूरी मशीन में टायर ही टायर पूरे में घुसेड़ दिए, देख रहे ना आपने 5 टायर इधर लगे और 5 दूसरी साइड लगे हैं, 10 टायर की भाई मशीन है, पर बहुत बड़ी मशीन है ये। ये क्रेन चाहिए भाई माचना नदी, क्योंकि गटर का अभी जो गटर रहेगा ना अपना वो 70 टन के आसपास का वजन रहेगा, उसको एक कम से कम 8 से 9 मीटर की हाइट में भाई उसको लगाना है, तो इसलिए भाई क्रेन इस टाइप की चाहिए। तो एक क्रेन ये आ गई बड़ी, एक और आएगी मेरे हिसाब से सेम ऐसी आएगी, और जो ये वाली जो क्रेन आप देख रहे हैं ना ये एक स्पेयर में जो एक और एक्स्ट्रा क्रेन रहेगी वो भी चलेगी, क्योंकि अगर 2 क्रेनें रहेंगी तो 35-35 टन का वजन आ जाएगा उन पर, तो आराम से उठा देंगे, पर हाइट का मामला रहेगा तो भाई इस टाइप की बड़ी क्रेनें करेंगी काम अपने पास। तो इस वाली क्रेन को भाई थोड़ा ओवरव्यू दिखाता हूँ, एक साइड से आपको दिखा दिया, ये इसका बैक साइड है, यहाँ पर डी मैक कंपनी की जो ब्रांडिंग आती है वो है, और इधर से दिखाता हूँ मैं आपको ये भी देखता हूँ, ये भी भाई लेफ्ट हैंड ड्राइव आती है, आज की क्रेनें जो चल रही है क्रेनों का चलन भाई शुरू से यही है, ये लेफ्ट हैंड ड्राइव ही आती है हर जगह, जैसे ये वाली भी लेफ्ट हैंड ड्राइव है सेम ये वाली भी लेफ्ट हैंड ड्राइव है। तो भाई देख रहे हो ना इसका ओवरव्यू देख रहे हो ना भाई सामने से, इसको कहते हैं भाई 170, मैं तो 170 बोल रहा था भाई, अभी मैंने ऑपरेटर से बात की वो बता रहा भाई 200 टन कैपेसिटी है भाई इसकी। तो भाई ये है भाई चीज देख रहे हो ना आपकी विशाल चीज, इसको कहते हैं भाई क्रेन्स, वो तो भाई इसके सामने छर रहा है, और जो हमारे पास है ना एस्कॉर्ट का भाई वो 15 टन वाला, वो तो बिल्कुल बच्चा सा लगता भाई इनके सामने। तो भाई अभी मैंने बात करी भाई ऑपरेटर से, तो उनसे थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन ली, तो वो बता रहे हैं भाई जो छोटी क्रेन है वो केवल गटर को ट्रेलर पर रख सकती है, बाकी उसका काम है ना इरेक्शन करने का नहीं रहेगा। इरेक्शन करने के लिए भाई इस टाइप की एक और क्रेन आने वाली, वो भी सेम 200 टन कैपेसिटी की रहेगी, पर भाई उसमें क्या रहेगा, ये वाली जो छोटी क्रेन रहेगी और एक इसमें से क्रेन मार्चिंग कर लेंगे, तो उससे भाई गटर जो रहेगा वो ट्रेलर के ऊपर रख दिया जाएगा, बाकी भाई इरेक्शन रहेगा। एक ये एक इस टाइप की एक और आने वाली, वो भी सेम 180 या फिर 200 टन कैपेसिटी वाली मशीन ही रही, क्योंकि भाई मैंने पूछा था अभी इनसे कि क्यों नहीं कर सकते छोटी से, तो बोले भाई हाइट बहुत ज़्यादा है तो बड़ी क्रेन लगती है, हाइट के खेल में भाई क्रेनें फेल हो जाती हैं। तो ये वाला किस्सा है, साथ साथ भाई एक चीज़ और बताता हूँ भाई, ये जो बड़े बड़े आप ब्लॉक देख रहे हैं ना ब्लैक कलर के, ये ब्लॉक हैं भाई इनके काउंटर वेट, इतने विशाल काउंटर वेट, अभी ये जो काउंटर वेट है मेरे हिसाब से इस जगह पे लगेंगे, ये काउंटर वेट पीछे लगते हैं, तो ये काउंटर वेट से जब है ना गटर उठाएंगे तो हाइट में ले जाएंगे मूव करेंगे, तो उसके लिए ये जो आप देख रहे हैं ना एक काउंटर वेट का वजन मेरे हिसाब से इस पर लिखा रहता कहीं ना कहीं, ज़रूर लिखा होगा, ये लिखा हुआ भाई देखो इन पे तो 30,000 kg के आसपास लिख रहा है, 30,000 भी लिखा हुआ है या 36,000 ऐसा कुछ, कंफर्म नहीं है, कंफर्म जब रहेगा तो मैं आपको, जब डिटेल वीडियो कभी आप बोलो तो मैं बनाऊंगा, नहीं तो भाई नहीं बनाएंगे, ऐसी कोई अपने को खास है, आप लोगों का जब डिमांड रहती है ना वीडियो की तभी मैं बनाता हूँ, नहीं तो नहीं बनाता हूँ। तो ये देखो भाई ये काउंटर वेट उसमें लग जाएंगे, इस वाले में काउंटर वेट नहीं लगती, इसमें लगा हुआ है पहले से ही, पहले आप देख रहे ना। तो भाई आज का ब्लॉग भाई यही है, क्रेन्स भाई पहुंच गई 2, तीसरी और आने वाली, इसके बाद भाई ट्रेलर भी आएगा, ट्रेलर आने के बाद तब यहाँ पे काम चालू होगा। यहाँ पे आप देख रहे ना भाई ये इस क्रेन को ऑपरेट करने की ये जो केबिन दिया, सेम इसी मशीन में भी भाई ये साइड में दिया हुआ है, पर फर्क देखो भाई इसका साइज का फर्क देखो, दोनों में एक साइड दिखा रहा हूँ भाई, देखो कितनी डाउन है ये भाई, कितनी विशाल है वो, कितनी छोटी है। इसके सामने मैं ना एक बार अपना कंपनी वाला जो छोटा वाला फराना क्रेन ना उसको भी रखूंगा साइड में, फिर देखूंगा भाई वीडियो बनाऊंगा जरूर, शॉर्ट वीडियो छोटा वीडियो। और एक फर्क और देखना भाई, इसके टायर का साइज देखो और इसके टायरों का साइज देखो, अभी आपको समझ में आ रहा होगा भाई
इसके टायर उसके टायरों के साइज से भाई कौन कितना विशाल है, वो तो फर्क आपको समझ में आ रहा है, वो 70 टन वाली है और ये 200 टन वाली। तो होप दोस्तों आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, छोटा ब्लॉग जरूर बनाया, तो कल से कभी कंटिन्यू करेंगे, तो भाई आज टाइम नहीं मिला, टाइम इतना ही मिला। तो अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया और आपको आगे के क्रेन के वीडियो चाहिए तो वो भी बताना भाई, कि अपन जब लॉन्चिंग करेंगे, लॉन्चिंग के वीडियो तो भाई अपन बनाएंगे ही बनाएंगे। तो अगर आज का ब्लॉग आपको पसंद आया तो भाई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली नई वीडियो में, धन्यवाद।